सफिश ओके ही करनी है। चलो व्हाट द कैमरा सर्जरी। रूही का वैक्सीनेशन करवाने के बाद जो है हम हॉस्पिटल से निकल गए थे एंड आपने यहीं तक देखा था पिछले ब्लॉग में, तो रूही बहुत ज़्यादा रोई थी जब उसे इंजेक्शन दिए थे, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा। और उसके बाद क्या क्या हुआ, उसके इफ़ेक्ट्स जो है वो मैं आपको इस ब्लॉग में शेयर करूँगी। तो हॉस्पिटल से निकल के फिर हम गए थे आंगनवाड़ी जहाँ पे रूही का वेट और हाइट मेज़र करना था, तो वहाँ पे चले गए थे। तो चलो ये ब्लॉग यहाँ से स्टार्ट कर। हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अनदर न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब, होप यू गाइज आर वेल एज लाइक मी। तो वेल बोलना गलत होगा। तो देखो यहाँ पे आ गए हैं रूही का वेट और क्या बोलते हैं हाइट मेज़र करने के लिए। तो वो जो मशीन देखा था आपने अभी थोड़ी देर पहले, वो कुछ तो भी टेक्निकल इशू था उसका, इसीलिए जो है इस वाले मेज़र टेप से मेज़र कर रहे, मतलब मेज़र उसका वेट नाप रहे हैं। तो यहाँ तक तो वो ठीक थी, एकदम सो के थी क्योंकि उसे गोदी के जैसा फील हो रहा था। बट जैसे ही रूही को हाइट मेज़र करने के लिए सुलाया उस स्केल के ऊपर, और उसके दोनों पैर जो है इन्होंने इतने टाइटली सीधा करके पकड़ा, उसके बाद वो इतना रोई कि आप पूछो ही मत, क्योंकि उसके दोनों पैर में इंजेक्शन लगा हुआ था, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा रो रही थी। एंड उसे देख के मुझे तो बहुत ज़्यादा वियर्ड लग रहा था, मतलब इतना ज़्यादा ख़राब लग रहा था कि पूछो ही मत, क्योंकि वो इतना नहीं रोती कभी भी, बट आज वो बहुत ज़्यादा रोई। ओ माँ, ऐसे इनका तो कुछ समझ भी नहीं आता। एक बार उन्होंने मेज़र किया, फिर से जो है एक जन बोल रहे थे कि नहीं 57 है, एक बोल रही थी नहीं 58 है, तो फिर से उसे मेज़र करने के लिए वहाँ पे लेटा दिए। तो मुझे इतना गुस्सा आ रहा था इन पे कि पूछो ही मत, मतलब मैंने तो बोला कि एक बार में नहीं कर सकते क्या, अच्छे से करना था ना जब करना था, क्योंकि उस बच्ची को, इतनी छोटी सी बच्ची को दो दो इंजेक्शन लगे हैं, तो उसे कितना पेन हो रहा होगा। और वो लोग जहाँ पे इंजेक्शन लगे हैं वहीं पे हाथ देके जो है पैर को ऐसे सीधा कर रहे थे। तो बस इतना ही काम था वहाँ पे। फिर उसका जैसे मेज़र वगैरह पूरा कंप्लीट हुआ, वैसे हम आ गए थे घर, और फिर इतना रो रही थी कि मतलब समझ में ही नहीं आ रहा था उसे कैसे चुप कराऊँ, ना वो फीड ले रही थी ना वो चुप हो रही थी, कुछ भी नहीं, बहुत ज़्यादा रोए जा रही थी। रूही अपने फर्स्ट वैक्सीनेशन में भी इतना नहीं रोई जितना कि वो अपने इस सेकंड वैक्सीनेशन में रो रही है, क्योंकि फर्स्ट वैक्सीनेशन जो है उसके बॉर्न होने के 24 घंटे के अंदर ही देते हैं, तब वो बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं की थी। हाँ थोड़ा सा ऐसे चीखी थी जैसे वो इंजेक्शन लगाए थे उस टाइम पे, फिर बाद में रोई ही नहीं, लेकिन आज वो इतना रो रही है, इतना रो रही है कि पूछो मत, मतलब वो पूरी रात नहीं सोई आज। तो उसे लेके मैं भी बैठी थी, उसे सुलाने की कोशिश कर रही थी, और वो हूँ किए जा रही थी। आई नेवर इमेजिन कि रूही इंजेक्शन लेने के बाद इतना ज़्यादा जो है रोएगी, इतना ज़्यादा रिएक्ट करेगी, क्योंकि वो एकदम हंसती रहती है, वो एकदम चिल्ड चाइल्ड है, हमेशा एकदम चिल रहती है और हमेशा हंसती रहती है, कभी इतना रोती नहीं है। जब फीड करना रहता है तभी रोती है, बस ऐसे ही जब कोई रीज़न होता है तभी रोती है, और आज तो बहुत बड़ा रीज़न मिल गया उसे। तो इतने सारे बच्चों को इंजेक्शन दिए ना आज कि क्या बताऊँ। अभी देखो 5 बज रहे होंगे घड़ी, बट रूही अभी भी जागी है, मतलब उसे नींद ही नहीं आ रही है, वो जैसे ही सो रही है वैसे ही उठ रही है, मतलब जैसे उसे वो पेन रिमेम्बर हो रहा है, मतलब उसका जो पेन है जैसे उससे याद आ रहा है वैसे ही वो उठ रही है और रोने लग जा रही है। एवरीवन, 5 बजने को बस 10 मिनट बाकी है एंड अभी तक उसे ठीक से सोई नहीं है पूरी रात, पूरी रात आ जा रही है, मतलब थोड़ी देर सो रही है,
फिर से उठ रही, मतलब 2 मिनट में उठ जा रही हूँ, 2 मिनट की उसकी नींद पूरी नहीं हुई। अभी शायद सो रही है थोड़ा सा। देखो जस्ट 10 मिनट, हाँ 5 मिनट पहले से सुलाई थी, सो के थी एंड अभी उठी है, और इंजेक्शन के बाद अभी फर्स्ट टाइम वो हंसी है और बात कर रही है। दर्द कम हो गया? पेन नहीं है अभी? अरे बाबले, अरे बाबले। मोबाइल की तरफ देखिए। बताओ कैसा लग रहा था? इंजेक्शन लगाने के बाद कैसा लग रहा था? पेन हो रहा था? अरे बाबा। और कैसा लग रहा था? रोना आ रहा था? सो रूही 5 बजे के बाद से जो है अच्छा फील कर रही थी, बट फिर भी नेक्स्ट डे भी उसने बहुत ज़्यादा जो है वीकनेस दिखाया, मतलब बहुत ज़्यादा डरी डरी थी, डर मतलब वो पेन की वजह से। तो फाइनली अभी वो ठीक है। एंड इधर देखो, हमने एक न्यू मोबाइल लिया है, मतलब रूही के पापा ने, रूही का जिस दिन 2 मंथ कंप्लीट हुआ उसी दिन, एंड वन प्लस लिया है, तो बहुत ही सही मोबाइल है। तो मैं तो उन्हें बोल रही थी कि हम दोनों मोबाइल एक्सचेंज कर लेते हैं। चलो इस ब्लॉग में इतना ही, बाय बाय, सी यू टुमारो।